मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहाचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकंड यूनिट में हमने प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को मापने का प्रकार, प्रक्रिया, प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण, उसके कारण, उसकी प्रक्रिया व उसके प्रकार, इनके बारे में बात की। पिछले लेक्चर में हमने जीरो सीर में लिथोसीर की बात की, लिथोसीर यानी कि शैल क्रम की। आज के लेक्चर में हम सेमोसीर या बालुकीय क्रमक के बारे में बात करेंगे। सेमोसीर या बालुकीय क्रमक जीरो सीर यानी कि मरु क्रमकी का एक भाग है, एक प्रकार है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो रेतीले क्षेत्र हैं, जहाँ पर मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़नुमा संरचनाएं, जिसे हम टीला कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून्स पर किसी प्रकार की वनस्पति का निर्माण होना सेमोसीर कहलाता है, बालुकीय क्रमक कहलाता है। प्रकृति में पृथ्वी के निर्माण के समय जब रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास हुआ, तब भूमि में से पिघला हुआ लावानुमा रचना बाहर निकली, जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी की सतह पर जम गई। ये ठोस संरचनाएं थी जिसमें अणु एक दूसरे के साथ बहुत ही सॉलिड बॉन्ड से संघनित अवस्था में, कंडेंस्ड अवस्था में पाए जाते थे, जिनका टूटना बहुत मुश्किल था। धीमे धीमे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों, तापमान में होने वाले परिवर्तनों, जल, वायु इत्यादि प्रभावों के कारण ये चट्टाने छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित होने लगी। समय के साथ साथ इन अणुओं के बीच बने हुए बंद बॉन्ड्स भी टूटने लगे और पार्टिकल्स, जो कण हैं, एक दूसरे से पृथक पृथक होकर मृदा का निर्माण इन्होंने किया। ये संपूर्ण प्रक्रिया हजारों सालों में पूर्ण हुई। हजारों सालों के तापमान, जल, वायु इत्यादि इत्यादि बाहरी कारकों के प्रभाव के कारण ठोस सॉलिड रॉक्स, ठोस चट्टाने मृदा के रूप में, सॉयल के रूप में परिवर्तित हो गई। ये पूरा प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स या चट्टान का अपक्षय। अब अपक्षय से छोटे कण जो बने, उसे मृदा का नाम दिया। मृदा अलग अलग प्रकार की है। यदि पार्टिकल साइज बड़ा है तो उनके बीच की जो कैपिलरी है, उनके बीच का जो रिक्त स्थान है, वो बड़ा होता है और बड़े होने के कारण उस प्रकार की मृदा की जल को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है उसकी कम हो जाती है। और इस तरह की मृदा जिसका पार्टिकल साइज बड़ा है, जिसके मध्य की कैपिलरी, केशिका का आकार बड़ा है और जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है, उसे हम बालू कहते हैं या सैंड कहते हैं। हम जिस क्षेत्र में, राजस्थान के जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में सैंड बहुत कॉमनली, बहुत सामान्य रूप से देखी जा सकती है। रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, बहुत कॉमनली देखे जा सकते हैं। इस बालू को, सैंड को, जिसका कि पार्टिकल साइज बड़ा, हमेशा ध्यान रखें, बालू में पार्टिकल साइज बड़ा होगा, केशिका का आकार बड़ा होगा, कैपिलरी साइज बड़ा होगा, और कैपिलरी साइज बड़ा होने के कारण उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो कम होगी। जब जल हम उसमें डालते हैं तो जल नीचे निकल जाता है, उसमें खड़ा नहीं रहता। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होने के कारण इस पर किसी प्रकार की पादप का उगना बहुत
टफ जॉब है, मुश्किल काम है। बालू को हम दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, वातोड़ बालू और जलोड़ बालू। ऐसी बालू जिसका निर्माण वायु के द्वारा किया गया है, जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में है, इसे हम वातोड़ बालू या इओलियन सैंड कहते हैं। यह वायु हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। दूसरी बालू है जलोड़ बालू, एलुवियल सैंड, जो जल के द्वारा, पहाड़ों के पत्थर जल के द्वारा गति करते हुए, टूटते हुए एक बालू का निर्माण करते हैं। यह बालू जल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, जैसे नहरों में जो मिट्टी आती है, नदी में जो मिट्टी आती है, उस तरह की बालू को एलुवियल सैंड या जलोड़ बालू कहते हैं। तो वेदरिंग प्रोसेस से बालू का निर्माण हुआ, और उस बालू पर यदि पादप अनुक्रमण होता है, प्लांट सक्सेशन होता है, तो उसे हम बालुकीय क्रमक या सेमोसीर कहते हैं, क्योंकि बालू की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है और इस कम होने के कारण इस पर पादप का उगना मुश्किल है, इसलिए इसे जीरोफिटिक या मरुस्थलीय मरुक्रमिकी में रखा गया है। यह एक मरुक्रमिकी की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इओलियन सैंड है, वातोड़ बालू है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वातोड़ बालू वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। यदि इस गति के मध्य कोई अवरोध होता है, जैसे कोई पहाड़, पेड़, भवन, दीवार इत्यादि, कोई स्थायी संरचना इसके रास्ते में आती है, इसकी गति की रास्ते में आती है, तो वहाँ पर यह बालू एकत्र होकर एक छोटे टीले नुमा रचना में परिवर्तित हो जाती है। इसे एम्ब्रियोनिक सैंड ड्यून कहते हैं, भ्रूणीय बालू टीला। यह वायु की गति से अवरोध के साथ बना हुआ वायु का टीला, बालू का टीला है, जिस पर धीमे धीमे बालू और जमा होती रहती है और इसका आकार बढ़ता रहता है। इसे हम एम्ब्रियोनिक सैंड्यून या भ्रूणीय बालू टीला कहते हैं। भ्रूणीय बालू टीला आरंभिक अवस्था है, यदि वायु का वेग तेज है या वायु की दिशा बदल जाती है, तो यह भ्रूणीय बालू टीला या एम्ब्रियोनिक सैंड्यून अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। इसके आधार पर बालू टीले को हम दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। एक है शिफ्टिंग सैंड ड्यून, चल या चर बालू टीला, जो वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है। इसकी गति निरंतर होती है, यह एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता। स्थायी न होने के कारण इस पर किसी प्रकार की वनस्पति का उगना असंभव है, तो इसे शिफ्टिंग सैंड्यून कहते हैं। दूसरा आया हमारे पास में स्टेबलाइज्ड सैंड्यून, स्थायित्व बालू टीला। इस प्रकार के बालू टीला किसी परमानेंट अवरोध, परमानेंट स्थायी अवरोध के साथ बनता है, इसका आकार बड़ा होता है और यह वायु के वेग के साथ गति नहीं करता, धीमे धीमे इसका आकार बढ़ता चला जाता है और जो सैंड पार्टिकल्स हैं, मृदा के कण हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग होने के कारण इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जल ग्रहण क्षमता तुलनात्मक रूप से दूसरे बालू के टीले की जल ग्रहण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी ये स्थायी हो चुका है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के ऊपर अधिक होने लगी है, इसलिए इस पर वनस्पतियों का उगना संभव हो जाता है। और सेमोसीर, जिसे हमने बालुकीय क्रमक कहा है, वह इस पर संभव है।
सबसे पहले प्रक्रिया आएगी बालू का निर्माण, फिर उसके बाद में उसका एम्ब्रियोनिक सेंड्यून का फॉर्मेशन, और उसके बाद में स्टेबलाइज सेंड्यून का फॉर्मेशन, स्थाई बालू टीले का निर्माण। जब स्थाई बालू टीला हो जाएगा तब इसके ऊपर कुछ घास जिनमें से सेंक्रस या एमोफिला, सेकेरम इत्यादि, पेनिकम, साइनेडॉन, इल्यूजाइन इत्यादि घास जो इस प्रकार के वातावरण में अपना विकास कर सकती हैं, उगना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि इस बालू टीला पर ये घास सर्वप्रथम उग रही हैं, इसलिए इन्हें पायोनियर्स या पुरोगामी कह देते हैं। तो सेमोसीर के पुरोगामी हैं सेंक्रस, एमोफिला, सेकेरम, सिनेडॉन, पेनिकम, इल्यूजाइन इत्यादि इत्यादि। धीमे धीमे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, जल ग्रहण क्षमता बढ़ती है, पादपों के नष्ट होने से वहाँ के ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों में भी वृद्धि होती है। कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि के कारण, जल ग्रहण क्षमता की वृद्धि के कारण वहाँ पर कुछ नए बहुवर्षीय क्षुप या श्रब्स उगने लगते हैं, जिनमें से कैलिगोनम या सेरिकोस्टा, लेप्टाडेनिया, टेफ्रोसिया या कैलोट्रोपस आदि मुख्य हैं। ये इन बालू के टीलों को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। बालू जो रेत है, जो रेत अभी पूरी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग नहीं हुई है, बंधी नहीं है, इन पादपों की जड़ों के कारण ये मृदा के कण, सॉयल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ में बंधने लगते हैं। बंधने के कारण इस बालू टीला, जो स्थाई बालू टीला था, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अधिक हो जाती है। धीमे धीमे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अधिक हो रही है, इसमें मृत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो रही है, और इसके कारण अब बालू टीला पर नए पादपों को उगने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होने लगा है ग्रासेस और इन झाड़ियों के कारण, क्षुप के कारण वहाँ पर अनुकूल वातावरण हो जाता है, और अब कुछ नए पादप जैसे प्रोसोपिस, कीकर, अकेशिया, साल्वेडोरा, मेटिनस तथा कुछ अन्य लंबी ग्रासेस जैसे कैलेमस, फ्रेगमाइटिस, कैजुएराइना, ब्यूटिया, टर्मिनेलिया, एल्बिजिया इत्यादि यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, प्रभावी रूप से विकसित होने लगते हैं, डोमिनेंटली यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, और धीमे धीमे ये सेंड्यून जो है वो एक वन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। यह इस सेमोसीर की चरम अवस्था है। क्लाइमैक्स फ्लोरा जो है इसका इन पादपों के द्वारा बनता है। इस प्रकार सेमोसीर, जिसमें मृदा के निर्माण से लेकर चरम अवस्था तक पादपों का जमाव होता है, ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। सीजनल भी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ये पादप अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं, अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं, और वर्षा ऋतु के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, और अपने प्रोपेग्यूल्स, अपने जो बीजाणु हैं, बीज हैं, वो इस भूमि में संचित कर देते हैं पुनः वर्षा ऋतु में, और हजारों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलने के कारण धीरे धीरे वह सेंड्यून्स वन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सेमोसीर कहा गया है। इस उदाहरण के साथ प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण, जिसमें हमने प्लांट अनुक्रमण की परिभाषा, कॉजेस, प्रक्रिया, टाइप्स इत्यादि पढ़े, ये कंप्लीट होता है। मैं इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, और पीडीएफ के साथ अभ्यास प्रश्न भी हैं, आप उन अभ्यास प्रश्नों को
हल कर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।